चाहते हैं कि इस बार 200 का पार करें। दिलीप जायसवाल जी बहुत नीचे स्तर से उठ करके पार्टी का काम किए हैं। पॉइंट पर उनके स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं ने अपना स्थान चिन्हित किया है। और निश्चित रूप से पूरी पार्टी एक परिवार की तरह यहाँ काम करती है। पार्टी कार्यालय आएंगे जहाँ भव्य स्वागत होगा। देखिए पूरे पटना में बीजेपी का बैनर पोस्टर जो है वो लगा हुआ है। आपकी नज़रें जहाँ जहाँ भी जाएगी, एयरपोर्ट से लेकर के बीजेपी कार्यालय तक पोस्टर ही पोस्टर आपको दिख रहा होगा। पोस्टर में दिलीप जायसवाल को लेकर के जो लिखा हुआ है, जो दिलीप जायसवाल जी का पटना के पावन धरती पर जो है हार्दिक स्वागत है, और तमाम प्रकोष्ठ के जो नेता है उन्होंने पोस्टर लगाया है, चाहे वो किसी चाहे कला संस्कृति प्रकोष्ठ से हो, चाहे फिर युवा मोर्चा से हो, चाहे फिर तमाम प्रकोष्ठ से हो, सभी ने पोस्टर लगाया है। और कल दिलीप जायसवाल जो है प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जब वो दिल्ली गए थे, दिल्ली के बाद प्रथम बार पटना आएंगे प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद, तो ऐसे में तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो होर्डिंग पोस्टर लगाए हुए हैं। और जगह जगह फूलों की वर्षा के लिए जगह जगह जो है एक पंडाल भी लगाया गया है। तो 11 बजे कार्यक्रम होगा प्रदेश कार्यालय में। विस्तृत जानकारी लेंगे हमारे साथ प्रवक्ता विनोद शर्मा जी हैं, बातचीत करेंगे। क्या कुछ तैयारी है सर, जगह जगह देख रहे पोस्टर लगा हुआ सजाया हुआ है, क्या कुछ तैयारी है? देखिए माननीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के अध्यक्ष बनने से कार्यकर्ताओं में काफ़ी हर्ष है और काफ़ी व्यापक स्तर पर कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं पूरे प्रदेश के। कल वो 11 बजे पटना एयरपोर्ट पर आएंगे, उसके बाद सीधे पार्टी कार्यालय आएंगे जहां भव्य स्वागत होगा। रास्ते में भी तुरंत द्वार और काफ़ी पॉइंट पर उनके स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं ने अपना स्थान चिन्हित किया है। और निश्चित रूप से लोग बहुत मने खुश हैं इनके बनने से, चूँकि एक कार्यकर्ता थे। क्या वजह है जो इतना खुशी है लोगों में? देखिए दिलीप जायसवाल जी बहुत नीचे स्तर से उठ करके पार्टी का काम किए हैं, लगातार काम करते रहे हैं, काफ़ी अच्छा इनका संगठनात्मक अनुभव है और पार्टी को फायदा मिलेगा। लोगों को काफ़ी आशा है कि सबको लेकर चलेंगे और साथ साथ पार्टी को मजबूती मिलेगी, इसलिए सब लोग मिलजुल कर इनके स्वागत में लगे हैं। और निश्चित रूप से पूरी पार्टी एक परिवार की तरह यहाँ काम करती है, भारतीय जनता पार्टी, इसलिए सभी जो भी हम लोग चाहते हैं कि इस बार 200 का पार करें, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता से वादा किया उसको हम पूरा करेंगे। अब 60,000 करोड़ का जो विशेष पैकेज मिला है बिहार को, इसलिए काफ़ी उत्साह है और निश्चित रूप से बिहार की जनता के आशीर्वाद से इस बार 200 से ऊपर सीटें हम बिहार विधानसभा में लाएंगे। विनोद शर्मा को आप सुन रहे थे। तो ऐसे ही तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो पटना में जगह जगह पर पोस्टर लगाए हुए हैं, जगह जगह पर आपको पोस्टर दिखेंगे, होर्डिंग दिखेगा और टेंट दिखेगा। और जहाँ पर ये बताया जा रहा है जो कल 11 बजे पटना एयरपोर्ट दिलीप जायसवाल पहुँचेंगे, जहाँ से वो कार्यालय आएंगे, रास्ता में तमाम जगहों पर उनका स्वागत किया जाएगा, कार्यकर्ता जो हैं वो खड़े रहेंगे। और ऐसे में जो सीधा मैसेज देना चाह लोग चाह रहे हैं कार्यकर्ता, कि जो दिलीप जायसवाल जी के अध्यक्ष बनने के बाद कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं खुशी है, इसीलिए तमाम तरीके से मैसेज देना चाह रहे हैं। बाकी ऐसे तमाम खबरों देखने के लिए बने रहे आईबीटीवी के साथ। सुनू सातन सुझा आईबीटीवी पटना। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।